की इस वीडियो में बात करेंगे असम यूनिवर्सिटी की, जो कि सिलचर के अंदर ऑब्वियसली लोकेटेड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अपना। और पूरे डिटेल में बात करेंगे एक एक पहलुओं पे कि असम यूनिवर्सिटी के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं। आपने जो है इसका कैंपस टूर जरूर से देख लिया होगा, और अगर डिटेल में कैंपस टूर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। मैं अगर सबसे पहले बात करूं तो थोड़ा ओवरव्यू देना चाहूंगा इस कॉलेज का। सबसे पहले देखिए, असम यूनिवर्सिटी सिलचर में लोकेटेड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 1989 में एस्टेब्लिश हुआ था। उसके साथ ही साथ डिस्टेंस जो है मेन कैंपस और सिलचर सिटी का, यानी अगर आपको सिटी से आना जाना लगा रहता है, थोड़ा बहुत काम रहता है, कुछ जो है छोटी मोटी काम के लिए आप जो है बाहर जाते रहते हो, 23 किलोमीटर की दूरी पे जो है आपको सिलचर सिटी मेनली आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो 25,000 स्टूडेंट जो है अफिलिएटेड और परमिटेड कॉलेजेस के अंदर जो है पढ़ते हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट टोटल जो है कवर करता है सिर्फ ये एक यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ 2014 में यूनिवर्सिटी को नैक से ग्रेड बी दिया गया था विद द सीजीपी ऑफ 2.92। एनआईआरएफ के तरफ से 247 रैंक दी गई है, 6574 रैंक इसको वर्ल्ड रैंक दी गई है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं अपना जो यूनिवर्सिटी है असम यूनिवर्सिटी, वो रिकॉग्नाइजेबल है। ये चीज़ जो है पूरे इंडिया के अंदर एक बहुत ही अच्छा GFTI है, थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं आपकी रैंक के हिसाब से ये बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ मैं बताऊं तो सिलचर रेलवे स्टेशन जो है, अगर आपको रेलवे स्टेशन से आना जाना लगा रहता है, 20 किलोमीटर की दूरी पे आपका रह जाता है, यानी कि अगर आप बाई रेल आना चाहते हैं फिर आपको 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी रेलवे स्टेशन से। एयरपोर्ट से आपको 43.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी अगर आप बाई एयर आते हो तो। उसके साथ साथ आप अगर प्लेसेस टू विजिट नियर कॉलेज की बात करें कि कॉलेज के आसपास क्या चीज़ें हैं जो हम देखने जा सकते हैं, क्या अच्छी चीजें हैं, तो मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे एक चाटला लेक साइड है। मैं हो सकता है सही प्रोनाउंस नहीं कर पाऊं, लेकिन हाँ, चाटला लेक साइड 4 किलोमीटर की दूरी पे है। कचारी फोर्ट 43.3 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी कि लगभग एयरपोर्ट के आसपास ही ये पड़ जाता है आपका। उसके पास उसके बाद बराक उद्यान हो जाता है आपका 14 किलोमीटर की दूरी पर। ये प्लेसेस आप विजिट कर सकते हो, जैसे जैसे आप कॉलेज जाओगे, घूमोगे, चीजें देखोगे, तो और अच्छी अच्छी चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे, वो तो बाद की बात आपकी हो जाएगी। इसके बाद कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो टोटल एरिया 600 एकर्स का आपका हो जाता है। नैक से जो है इसको मान्यता प्राप्त है। लोकेलिटी आपका रूरल है, यानी कि अर्बन एरिया नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया, 23 किलोमीटर की दूरी आपका सिलचर मेन सिटी जाने के लिए आपको लग रहा होगा। एडमिशन बेसिस जेई मेन से होता है, उसके बाद काउंसलिंग आपकी जोसा और सीसैप होती है, बस ये दोनों लोगों को पता है, लेकिन तीसरा काउंसलिंग भी होता है। कॉलेज अपने लेवल पर काउंसलिंग करवाता है, अपने वेबसाइट पे फॉर्म निकालता है कॉलेज, उस फॉर्म को आप भरते हैं और बहुत ही लो रैंक पे, 1 लाख 1.5 लाख रैंक पे भी आपको यहाँ पे अच्छी ब्रांचेस मिल रही होती है। ये चीज भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो कॉलेज लेवल काउंसलिंग, अगर आपकी रैंक कम है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह रहा होगा। लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, और लोकल लैंग्वेज जो एसमीज है वो भी यहाँ पे बोली जाती है। वेदर आपका नॉर्मल रहता है। अगर आप और भी डिटेल्स जानना चाहते हो तो आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, पूरी चीजें डिटेल में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन कोई ऐसा पॉइंट नहीं रहा है जिसको इस स्लाइड्स के अंदर जो है इंक्लूड ना किया गया हो, तो ये चीजें भी आपके लिए इनफ रहेगी। उसके बाद अगर मैं फी डिटेल की बात करूं तो फी डिटेल लगभग आपका 55,145 रुपये आपको लग रहे होते हैं एडमिशन के टाइम पे। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, पूरा फी का जो ब्रेकअप है, जैसे आपका डेवलपमेंट फी, लाइब्रेरी फी, स्पोर्ट्स फी, मेडिकल इंश्योरेंस, लेबोरेटरी फी, आइडेंटिटी कार्ड का फी, एडमिशन फी, बाकी सारी चीज़ों को मिला करके यहाँ पे जो है 55,000 की फ़ी आपकी एडमिशन के टाइम पे जो है आपकी लग रही होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो रिफंडेबल कुछ फीस होती है, तो वो आपका रिफंडेबल जो है लगभग लाइब्रेरी 1000 मनी जो कि 1000 रुपये लगते हैं, और 2000 रुपये लेबोरेटरी के लगते हैं, तो टोटल 3000 ये आपका रिफंडेबल रहता है। और एग्जाम के टाइम भी आपको अलग से फ़ी पे करना होता है, जो कि 800 होता है पर सेमेस्टर। मार्कशीट के लिए 75 रुपये आपको फ़ी करनी पे करनी होती है, और सेंटर फ़ी आपको 300 रुपये पे करनी होती है। तो लगभग 1000-1200 रुपये आपको एग्जाम के टाइम पर भी पे यहाँ पर करना होता है। उसके बाद अगर मैं हॉस्टल्स की बात करूं तो
9 हॉस्टल्स टोटल अभी यहाँ पे हैं, उसके बाद 4 बॉयज हॉस्टल हैं, 5 गर्ल्स हॉस्टल हैं। अप्रॉक्सीमेटली 749 सिंगल एंड शेयर्ड रूम जो है, यानी कि 749 कमरे जो है लगभग रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, आपको पता है बहुत ज़्यादा कोर्सेज होंगे यहाँ पे, तो आपको हॉस्टल्स की सुविधा बहुत अच्छी यहाँ पे देखने को मिलती है। हॉस्टल्स के अंदर बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल है। उसके साथ ही मैं अगर बात करूँ तो 25,000 रुपये आपको हॉस्टल का पर साल आपको पैसा यहाँ पे देना होता है, हॉस्टल फी के रूप में 25,000 रुपये आपको यहाँ पे देने होते हैं। उसके साथ ही कुछ फैसिलिटीज की बात करूँ जो कि बेसिक चीजें हैं, आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी यहाँ पे है, लाइब्रेरी है जहाँ पे आप जाके अपना हॉस्टल के अलावा जाके पढ़ाई लिखाई कर सकते हो, जो भी चीज़ें हैं आप कर सकते हो। हेल्थ सेंटर आपको देखने को मिल जाता है, एनसीसी है यहाँ पे, उसके साथ साथ जिम देखने को मिल जाता है, बस सर्विसेज हैं, स्टूडेंट्स वेलफेयर, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, कंप्यूटर सेंटर है आपका, एनएसएस एक्टिविटीज़ होती है, और हॉस्टल्स की फैसिलिटी जैसा मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ें हैं जो बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए कॉलेज के अंदर, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। इसका बड़ा कारण यही है कि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा मदद किया जाता है यहाँ पे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप यहाँ पे हॉलीडेज़ की लिस्ट भी देख सकते हो, हॉलीडेज़ आपको जो है ये जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके साथ ही साथ सैटरडे संडे को हॉलीडे रहता ही रहता है, उसके अलावा ये हॉलीडेज़ आपको साल के अंदर मिल रहे होते हैं, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हो। पीपीटी डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। उसके बाद अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है इस कॉलेज का, तो ये कट ऑफ मैंने सीसैब के राउंड 2 से उठाया है। तो ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा ओपन यानी जनरल के लिए, न्यूट्रल जनरल के लिए 2,29,000 पे क्लोज हुई थी, ये चीज हम समझेंगे। उसके साथ ही साथ मैं सीएससी की बात करूं तो 81,000 रैंक पे सीएससी क्लोज हो गई थी यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए, ऑल इंडिया के लिए, ठीक है। जो आसाम के हैं उनके लिए तो बहुत बहुत कम कट ऑफ जाती है, वो चीज़ भी हम यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, वो आपका 1,07,000 रैंक पे क्लोज हुआ था जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बाद, तो यही जो है तीन चीज़ें रहती है। लेकिन अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊं तो यहाँ पे कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी होती है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया, जिसके अंदर कट बहुत कम कम जाती है, क्योंकि सीट्स फिल नहीं होती है, तो ये अपने लेवल पे भी काउंसलिंग करवाता है जहाँ पे आपको कट बहुत कम देखने को मिलती है। तो रैंक अगर आपकी कम होती है तो आप इंतजार करेंगे, इसके कॉलेज लेवल काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं कुछ बात करूँ स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स के अंदर आपको फुटबॉल या क्रिकेट ग्राउंड देखने को मिल जाता है, जहाँ पे 120x75 मीटर्स का आपका बड़ा सा ग्राउंड देखने को मिलता है, बास्केटबॉल कोर्ट है आपका, वॉलीबॉल कोर्ट है, जिम है आपके पास, बैडमिंटन कोर्ट है, उसके बाद आपका जो है कबड्डी या खो खो के लिए भी आपको जो है एक ग्राउंड आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें जो सारी की सारी, कितना बड़ा है ग्राउंड, क्या चीज़ें हैं, सारा यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट नोट किया गया, वीडियो को पॉज करके आप सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो यहाँ पे। एक एक बारीक चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने इस स्लाइड्स को बनाया है, तो उसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ, तो प्लेसमेंट्स आप मैक्सिमम सैलरी पैकेज जो यहाँ पे 12 से 16 LPA का दिखता है, आपको मिनिमम सैलरी जो है 4 से 5 LPA का यहाँ पे रह रहा होता है, मीडियम 2 LPA का लगभग रखते हैं। यहाँ पे मास रिक्रूटिंग कंपनीज ज्यादा आती है, TCS हो गया, विप्रो हो गया, ये सब कंपनीज, लेकिन हम यहाँ पे देख पाएंगे कि अमेजॉन, जोमेटो, ICICI, उसके बाद टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज भी यहाँ पे इन्होंने विजिट कराया है, तो ये चीज भी आपके लिए थोड़ा सा फायदेमंद रहता है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर नजर डालूं, तो कॉलेज के बहुत सारे प्रोज है, लेकिन कुछ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कॉलेज का जो एरिया है, कॉलेज का जो कैंपस एरिया, वो बहुत बड़ा है, आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं 4 साल के अंदर, ऑनेस्टली बताऊं तो। सफिशियंट हॉस्टल्स हैं, यानी कि आपको हॉस्टल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, अच्छा इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलता है, फी भी बहुत कम है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है तो आपको दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। फेमस कंपनीज भी आती है यहाँ पे, जैसा मैंने बताया आपको जोमेटो हो गया आपका, फिर से अमेजोन हो गया आपका, ICICI बैंक हो गया आपका, ये सब चीजें यहाँ पे आती है, ये सब कंपनीज आती है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है, तो आपके लिए अच्छा रहता है कि आपको स्टार्टिंग इनिशियल ईयर्स में ही इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप अपने लेवल पे भी अच्छा कर सकते हो। कुछ कॉन्स की अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या कमियां हैं कुछ, तो कॉलेज की रेटिंग जो है नैक द्वारा ज्यादा बढ़िया नहीं दी गई है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा
थोड़ा सा सिटी से जो है दूर हो जाता है, तो ये चीज भी इसके कॉन्स में हम यहाँ पे काउंट कर रहे होंगे, ये चीज रहता है। थोड़ा सा अपने लेवल पे रिव्यू देना चाहूँ इस कॉलेज को, तो मैं हॉस्टल को 7 आउट ऑफ 10 दूंगा, स्पोर्ट्स को 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया कर रहा है ये यूनिवर्सिटी। फैसिलिटी के अंदर 6 आउट ऑफ 10, थोड़ी सी फैसिलिटीज जो है कम रहती है यहाँ पे। उसके साथ साथ कैंपस आपको 9 आउट ऑफ 10, बहुत बढ़िया सा 600 एकर्स का कैंपस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। प्लेसमेंट के अंदर 7 आउट ऑफ 10, यानी कि ओवरऑल कॉलेज जो है ठीक ठाक है। अगर आपकी रैंक 1.5 लाख के आसपास है, आप फी कम कम फी के अंदर पढ़ना चाहते हो, ठीक ठाक कॉलेज है आपका, तो इसमें आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी रैंक थोड़ी सी बढ़िया है तो आप इससे अच्छी GFTIs वगैरह के अंदर भी ट्राई कर सकते हो, या फिर कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस ही टॉप के आप ट्राई कर सकते हो। आपको अगर कोई भी ऐसी चीज़ बतानी हो कि भैया आप इसमें इस PPT में इस स्लाइड में ये ऐड कर सकते हो तो ये ज़्यादा बेटर होगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर से बताएं, क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारे कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं, तो उसमें हमारी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।